तो दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो सही लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था तो 3375 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 3173 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3463 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों देखें तो दोनों में एक पॉजिटिव अपसाइड देखने को मिल रहा है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या किए हैं कंपनी इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 2992 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2665 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने खर्चे 3103 करोड़ खर्च किए। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 278 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 240 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 290 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो 240 करोड़ के मुकाबले 290 करोड़ का प्रॉफिट मेरे हिसाब से बड़ी तेजी है, अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास की तेजी है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 10% के आसपास की बढ़ा है। तो 10% रेवेन्यू बढ़ा के 22% अपना प्रॉफिट बढ़ाना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी मतलब नंबर्स की ओर इशारा करता है। क्वार्टर क्वार्टर भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत शानदार है। ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी है, 9.23 पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल 7.86, अभी देखें तो 9.66 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर बहुत शानदार है, रिवेन्यू हो या प्रॉफिट हो दोनों के मामले में कंपनी ने शानदार नंबर पेश किए हैं। तो हो सकता है इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।